जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव में इस बार पीडीपी नेता इल्तिजा मुफ्ती बिजबेहरा सीट से ताल ठोक रही हैं। इल्तिजा ने नामांकन भर दिया है, उनके सामने बीजेपी से सोफी यूसुफ उम्मीदवार है। इल्तिजा के लिए कितनी बड़ी चुनौती है, यूसुफ न्यूज 24 से इल्तिजा ने खास बातचीत की, हम आपको सुनवाते हैं। पीडीपी की नेता इल्तिजा मुफ्ती द्वारा यहां अपना नामांकन दाखिल करने के बाद आप देख सकते हैं महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती किस प्रकार से यहां अपने समर्थकों से घिरी हुई है और इल्तिजा मुफ्ती भी गाड़ी की छत पर खड़ी होकर यहां नारेबाजी करते दिखाई दे रही है, अपने समर्थकों का जोश जुटा रही है। और इस मौके पर यहां से जो है बीजेपी का जो प्रत्याशी है वो भी यहां पर निकला और इस दौरान काफी जो है यहां पर दोनों तरफ से नारेबाजी देखने को मिली। आप देख सकते हैं इल्तिजा मुफ्ती इस समय नजर आ रही है, इल्तिजा जी काफी जोश आप में नजर आ रहे हैं समर्थकों के साथ साथ, कैसा लगता है? जाहिर सी बात है, इलेक्शन है, मैं नौजवान हूँ तो मुझमें जोश नहीं होगा तो किस में होगा। आपके समर्थक भी काफी जोश से भरे हुए नजर आ रहे हैं। इंशाल्लाह, यू नो आई थिंक दे सी अ लॉट ऑफ होप इन मी एंड फॉर मी दिस इज अ ह्यूज ऑनर एंड अ कॉम्प्लीमेंट, तो इंशाल्लाह आई विल रिप्रेजेंट द एस्पिरेशन हमारे यंगस्टर्स के, जो भी इशू पे वो हम इंशाल्लाह रिजॉल्व करेंगे। आपकी माँ ने भी यहाँ से पहला चुनाव जीता था, आप भी यहाँ पे चुनावी मैदान में खड़े हैं, तो कितना इमोशनल मोमेंट है आपके लिए? इट्स अ वेरी इमोशनल मोमेंट फॉर मी एंड आई रियली विश मुफ्ती साहब वाज अलाइव सो दैट ही कुड हैव बीन हियर एंड सीन दिस, आई थिंक ही वुड हैव बीन वेरी हैप्पी। आपको क्या लगता है कितनी कड़ी फाइट होगी आपके लिए? आपके लिए जीत काफी आसान आपको नजर आ रही है क्राउड देखकर? देखिए फाइट कितनी भी टफ हो मैं कितनी मेहनत करूंगी और मुझे मेहनत करने की आदत है। आपने देखा महबूबा जी के कैंपेन में भी आई वाज ऑल ओवर द कॉन्स्टिट्यूएंसी एंड आई वर्क हार्ड दिस टाइम एज वेल। जी हार जीत अल्लाह ताला के हाथ में होता है, जो तकदीर में होगा वही होगा, बट आई एम हियर टू विन इंशाल्लाह। आपको हमने पहले भी देखा है कजल्स लेते हुए केंद्र सरकार से लेकर यहाँ की सरकार एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से, तो अगर आप विधानसभा पहुंचेंगे तो कैसा हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि वहाँ पे भी आपका जो तेवर है उसी तरह के देखने को मिलेगा? देखिए तेवर की बात नहीं है, मैंने हमेशा सच्चाई का साथ दिया है और मैं देती रहूंगी क्योंकि मेरे लिए सच्चाई यू नो ट्रूथ इज पैरामाउंट एंड मैं किसी के प्रेशर में आने नहीं वाली। तो जम्मू कश्मीर में जमीनी तौर पे हकीकत है, मैं वही बयान करूंगी। थैंक यू वेरी मच हमसे बात करने के लिए। ये इल्तिजा मुफ्ती है जिन्होंने हमारे साथ बात की और विस्तार से बताया कि ये जो चुनावी उनका यहाँ पर एक तरह से मुकाबला होने वाला है वो काफी आश्वस्त है कि यहाँ से उन्हें जीत हासिल होगी और युवा चेहरा है, उन्होंने खुद भी बताया कि वो युवा है इसलिए उनमें जोश काफी ज्यादा है और यहाँ पे जो लोग हैं खासतौर पर युवा लोग उनके साथ जुड़े हुए हैं वो भी काफी जोश से भरे हुए हैं और इन विधानसभा चुनावों के बाद अगर वो विधानसभा पहुंचती है तो वहां पर भी उनके इसी तरह के तेवर देखने को मिलेंगे। कैमरामैन मुजीब रशीद के साथ आसिफ सहाब बीच में आ रहा है ना तो न्यूज 24।